ये काम के लिए अलहमदिल्ला कभी भी मेरी कोई भी ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ, और जो कुछ भी मेरे से काम हो अल्लाह ताला ले रहा है। तो आप लोग बराबर याद करिए, पर कोई भी चीज़ के लिए, जमात के लिए या कोई भी काम के लिए मुझे कभी भी याद करिए, मैं हाजिर आपको अपनों के साथ हूँ, हम सब जगह मौजूद है। साहब कॉरपोरेटर जी एच एल सी हैदराबाद और साहब मेरे मुकामी ग्राम और इसी स्थानीय के आपने देखा कि यहाँ मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि बच्चों के लिए इतनी कसीर तादाद में मुख्तलिफ पैकेज के साथ किताबें मौजूद हैं, और हर वक्त मैं इस फिक्र में रहता था कि बच्चों के लिए कोई चीज़ तैयार की जानी चाहिए। सच्चा दीन, अखलाकी कहानियाँ, मोतियों का हार और बड़ों का बचपन, इस्माइल खैराबादी रहमतुल्लाह सीरीज, ये हम पढ़ते रहे, लेकिन जदीद हालात ने बहुत से तकाजे हमारे सामने रखे हैं। जदीद हालात ने बच्चों को बहुत मुतासिर किया है, ख़ास तौर पर कार्टून्स ने, और कार्टून के इतने दीवाने होते हैं बच्चे कि उसके अंदर मुनहमिक होकर खाना पीना तक छोड़ देते हैं, तालीम तर कर देते हैं। मैंने एक एडिक्ट है वो, इस तरह बातिल क़ुव्वतों ने आके बच्चों को अपने चुंगुल के अंदर फंसा लिया है। ऐसे हालात में इस्लाम पसंद लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को उससे आज़ाद करवाया जाए और उनकी दिलचस्पी की जो चीज़ें हैं वो उनके सामने लाई जाएं, और बच्चों के अंदर मुताले का शौक़ शौक़ पैदा किया जाए। ये आम शिकायत है कि मुताले का शौक़ लोगों के अंदर कम होता जा रहा है, और जब से सोशल मीडिया और फिर व्हाट्सएप का बोलबाला हुआ है, उस वक्त से तो और पढ़ने लिखने किताबों का माहौल ख़त्म हुआ है, उसके अंदर बड़ी कमी आई है। लेकिन चाहे वो सोशल मीडिया होने दीजिए और इंटरनेट से हासिल होने वाला मवाद होने दीजिए, वो किसी भी सूरत में किताब का नेमुल बदल नहीं। किताब किताब है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट किताब का नहीं पाएगा। तो इसलिए बच्चों के अंदर किताबों का शौक पैदा करना, उनको मुताले की तरफ रागिब करना, ये कब होगा? खुद हम भी किताबें पढ़ें, अपनी किताबें रखें और हमारा घर किताबों से मांगों को, तो ये चीज़ बच्चों के अंदर पैदा हो सकती है। और आज वक्त की अहम तरीन सूरत, आम तौर पर तो मैं सुना कि किताबें इसलिए भी नहीं ख़रीदते हैं कि उनको कुछ पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, और बहुत से लोग मुझे कहते हैं इंटरव्यूज़ में कि जब याद ही नहीं रहता हमको तो पढ़कर क्या करेंगे, तो इसलिए लोग पढ़ते ही नहीं। बाज़ लोगों से इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि जब मैं किताब हाथ में पकड़ता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। एक साहब ने कहा कि मुझे नींद अगर आना है तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो तब वो नींद आती है। तो ये सब चीज़ें दरअसल आदमी के अंदर जो ट्विस्ट है, इसकी जो ज़रूरत है, वो इससे ताल्लुक़ रखती है। अगर किताब आपकी ज़रूरत बन जाए, किताब आपका मकसद बन जाए, किताब आपके मकसद की तकमील का ज़रिया बन जाए, तो आपको ना नींद आएगी और किताब के अंदर दिलचस्पी पैदा होगी, और
किताब पढ़ने के बाद में जो खुल जाने की आदत है, यकीनन आदमी सब चीज़ें याद नहीं रखता, लेकिन वो किताब का जो मवाद है कुछ ना कुछ उसके जहन में मौजूद रहता है। ऐसी शिकायत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के किसी शागिर्द ने किया था कि मौलाना मैं पढ़ता हूँ हजरत, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, मैं पढ़ के क्या करूँ। तो अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत है, उन्होंने उस शागिर्द से पूछा कि ये बताओ कि तुम आज से एक साल पहले क्या खाए, एक साल पहले नाश्ते में क्या खाए थे किसको याद है, ठीक है 6 महीने पहले क्या खाए वो भी आदमी, 1 महीना पहले क्या खाए, 8 दिन पहले क्या खाए वो भी आदमी है। कोई चीज़ आपको याद नहीं है आपने जो कुछ खाया, लेकिन जो कुछ खाया वो आपके मेदे में गया, जिस्म का हिस्सा बना, खून बना, और आपके जिस्म में वो खून रवा दवा है, 6 लीटर खून में उसका भी हिस्सा है। तो बिल्कुल इसी तरह मुताला आप जब करते हैं कोई चीज़ याद नहीं रहती है, लेकिन वो मुताला आपकी शख्सियत का हिस्सा बन गया और वो किसी भी वक्त आपको काम आ सकता है। तो इसलिए मुताले से ग्रेज भी नहीं करना चाहिए और बच्चों के अंदर इसका शौक पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ जमात इस्लामी ने गोली चौकी को कि उन्होंने एक इनोवेटिव प्रोग्राम वहाँ पर किया है, और इस तरह का इनोवेटिव प्रोग्राम मुख्तलिफ कॉर्नर्स में शहर के समर वेकेशन के अंदर करने की जरूरत है, बल्कि दिन तमाम बच्चों को रख कर कोई ऐसा प्रोग्राम उनके लिए तरतीब दिया जाए कि बच्चे वहाँ पर रहें और पढ़ें और खेल कूद का भी इंतजाम हो, और उनके जो मुख्तलिफ वीडियो गेम्स वगैरह हैं किस्म के वो उसका एक्सपेरिमेंट भी करें वहाँ पर, और वालदैन उसको खरीद कर ले जाएँ, इसका इंतजाम अगर करें तो मैं समझता हूँ कि मिल्लत के लिए बहुत ही उमदा बात होगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला हमारे साथ हर का मामला फरमाए और तमाम कामों से अल्लाह ताला हमें अजर अज़ीम अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला कामयाब अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह खैर। मैं माता मेरे अल्लाह का और हमारे कार्यक्रम फराज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आइन टाइम पर बुलाने के बाद भी आ गए। मैं आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि आप तमाम लोग अपने फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, अपने रिलेशंस, रिश्तेदार, पड़ोस के साथ इसको प्रमोट करें। या आज कल परसों 3 दिन रहेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद मंडे से हमारे समर कैंप शुरू होंगे 10 दिन के, 16 to 29, उसमें भी जो है ये असल उसका पहला फेज है समझिए, उसके बाद इंशाल्लाह वो जो आपके सामने यहाँ बैनर है 16 to 29 इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह इसकी प्लानिंग और पब्लिसिटी हो रही है, तो इसको प्रमोट करिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन कोशिशों को कबूल कर लें, इसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत का फरमाए। वाखिर दुआ।